हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज 9 दिसंबर के द हिंदू के एडिशन को हम एनालाइज करेंगे कुछ मैप के हेल्प से। और अपना फोकस रहेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आने वाले क्वेश्चंस पे, जो आज के न्यूज आर्टिकल से बन सकते हैं। अनडाउटली एंड अनफॉर्चुनेटली द वेरी फर्स्ट न्यूज, जो अपने सीडीएस थे उनके डेथ के बारे में है। यहाँ अपने लिए इम्पोर्टेंट है पेपर के व्यू से, सीडीएस का पोस्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में कब क्रिएट किया गया। एक्चुअली पीएम मोदी ने अगस्त 2019 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से अनाउंस किया था कि अब से इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट हुआ करेगा, बट एक्चुअल इफेक्ट में यह आया 1 जनवरी 2020 को। तो अगर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं उसमें 19 नहीं आएगा, 20 आएगा। 1 जनवरी 2020 टाइम ऐसा है जो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। 1 जनवरी 2020 इस दिन से सीडीएस का पोस्ट ऑफिशियली स्टार्ट माना जाएगा इंडिया में, जिसके फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे रावत सर। जिस स्टेट में ये एक्सीडेंट हुआ है, तमिलनाडु, नेचुरली काफी ही विविध टाइप का स्टेट है, काफी वास्ट स्टेट है। एक बार देखते हैं उस लोकेशन को फिजिकली मैप में जहां पर ये है। इस जगह का नाम है नीलगिरी, और ये हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जाना पहचाना जगह है, नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु में, और थोड़ा सा पार्ट इसका जो नेबरिंग स्टेट है, ये नॉट ओनली एक हिल है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके आसपास बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे सैंक्चुरी हैं। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, ये है नीलगिरी हिल जो वेस्टर्न तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु यहाँ रहा, आप मैप पर देख सकते हैं, नीचे पूजल लेक है, पालर लेक है, कन्याकुमारी सबसे नीचे है। यहीं पर एक और जगह है थेनी, काफी फेमस है फॉरेस्ट के लिए। अब चूंकि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, तो यूपीएससी का फोकस रहेगा कि वो यहाँ के आसपास से कुछ ऐसा टॉपिक में डाले। आप कितना कंसंट्रेट करते हैं इन जगह पे, ये डिपेंड करता है आप कितनी बार इस मैप को देखकर क्या सीखते हैं। सो दिस मैप इज इम्पोर्टेंट, फिजिकल मैप ऑफ तमिलनाडु, जहाँ नीलगिरी है और कुंडा हिल है उसके नीचे, अन्नामलाई उसके और नीचे है, बहुत सारे वैली है यहाँ पे। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट से, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है और इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था, तो एक टाइगर रिजर्व पड़ता है एमपी में, पेंच। इस पेंच पे खतरा आ गया था कि इसका जो फ्लडेड पानी है वो पेंच तक जाएगा, तो फिर पेंच का क्या होगा। पेच एक टाइगर रिजर्व है, और इंडिया में आदमी से ज्यादा जान की कीमत टाइगर्स की है। अनडाउटली टाइगर का सेंसस हो, आपको ए टू जेड चीजें मालूम होनी चाहिए। सो ये केन बेतवा प्रोजेक्ट एक्चुअली कौन कौन से स्टेट में है, इसका मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यूपी का पार्ट और एमपी का पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट मेन रूप से लिंक्ड है। ये बेतवा रिवर है। इस प्रोजेक्ट का सारांश ये है कि केन से कुछ पानी उठा करके बेतवा में डालना है, और दोनों को लिंक करना पड़ेगा, इसके लिए कैनाल बना करके लिंक करना पड़ेगा। सो द नेम इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अगर रिवर का ऑर्डर आ जाए, ये एवर ग्रीन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आज न्यूज में आया तो मे बी इस ईयर आएगा, ये एवर ग्रीन टॉपिक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। सो बेतवा अगर नॉर्थ साउथ ऑर्डर आ जाए रिवर का, तो बेतवा नॉर्थ में पड़ेगा और केन साउथ में पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं केन यूपी का एक फेमस जगह है, चित्रकूट, वहां से पास करती है, जबकि बेतवा उरद अब हिमालय यमुना साइड से कह सकते हैं, और फिर एमपी में ये फॉल करती है। सो आई होप आपको याद रहेगा बेतवा के ऊपर पार्वती रिवर है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी एक एवर ग्रीन टॉपिक है, और इसका नाम है स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग।
हर बार ठंड के मौसम में जो इंडिया का नेशनल कैपिटल है, नेशन का कैपिटल है दिल्ली, कोई और न्यूज हो ना हो ये स्मॉग का न्यूज जरूर आता है। सो एग्जैक्टली स्मॉग होता क्या है हम ये जानेंगे। स्मॉग एक एवरग्रीन टॉपिक है एनवायरनमेंट में, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्मॉग का क्लियर सा मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग। स्मॉग इज नथिंग बट स्मॉग प्लस फॉग। अब यहां पर एक और टेक्निकल टर्म है फोटोकेमिकल स्मॉग। अगर स्मॉग आता है तो स्मॉग में केवल स्मॉग और फॉग को जोड़ दो, स्मॉग बन गया। एक टर्म यूज होता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में एक और चीज ऐड हो जाता है, वो है VOC। साइंस वालों को पता होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इसे, और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एट लीस्ट एक कंपाउंड का एक पार्ट जरूर होना चाहिए स्मॉग में, तब जाकर के वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए तब जाकर के फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें फोटोन यानी सनलाइट का यूज किया गया हो। सो डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट कि इस बार 80% पॉल्यूटेड है कि 34% पॉल्यूटेड है, ये हर 24 घंटे में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एयर की क्वालिटी मॉनिटर की जाती है, इनफैक्ट हर घंटे की जाती है और एटलीस्ट नेशनली 24 घंटे बाद अनाउंस किया जाता है। सो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है कि फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो लगभग हर दूसरे साल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सनलाइट के प्रेजेंट में स्मोक, फॉग और VOC। VOC क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं इसका सोर्स बता देता हूं आपको तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप याद करें, आपके घर में पेंटिंग का काम चल रहा हो तो एक खास टाइप का स्मेल आता है, दैट इज नथिंग बट VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज ड्यू टू, वो जो पिगमेंट आता है, वो जो स्मेल आता है, दैट इज ड्यू टू वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बाकी आपको पता ही है, एक और इसमें यूज होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड एग्जॉस्ट में मिलता है, कार गाड़ी जो धुआं निकालती है उसमें आपको मिल जाएगा वो। सो ये सारे फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल में है केरला में लोकल इलेक्शन हुआ है। यहाँ ये इंटरेस्ट अपना नहीं है कि केरला में इलेक्शन हुआ है, अपना इंटरेस्ट ये है PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपलिटी UPSC के सिलेबस में अलग से मेंशन है। ये अलग से मेंशन है का सीधा सा मतलब है कि कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ कि PRI से क्वेश्चन ना आए। अब इस बार केरला में चुनाव हुआ है तो सीधा सीधा दो क्वेश्चन बनता है कि म्यूनिसिपलिटी में जो चुनाव होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, और पंचायत में जो चुनाव होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है। तो मैं यहां आपको हिंट दे देता हूं, आर्टिकल बता देता हूं, और आज अगर आप इन दोनों आर्टिकल को दो चार बार और देख लेंगे तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। जो पंचायत में चुनाव होता है वो आर्टिकल 243K के तहत होता है। अब ये याद कैसे रहेगा, मैं कोड भी बता देता हूं, मे भी कुछ लोगों को फनी लगे तो वो अपना कोड बना लें, और जिनको याद रखना है वो याद रख सकते हैं। सो कोड कुछ इस तरीके से है कि जनरली इलेक्शन होता है तो पूछते हैं ना कौन बना, कौन, के फॉर कौन। सो 243K दैट इज फॉर इलेक्शन इन पंचायत 243K। अब आती है बारी किसकी, म्यूनिसिपलिटी की। म्यूनिसिपलिटी का आपको याद होगा 243O पे ये खत्म हो जाता है पंचायत का, तो ये आ जाएगा फिर 243ZA। 243ZA दिस इज द इलेक्शन प्रोविजन ऑफ इलेक्शन फॉर म्यूनिसिपलिटी। बात करते हैं आगे, इसमें एक और आर्टिकल जो याद रखने लायक है और म्यूनिसिपलिटी के लिए है वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बहुत हॉट टॉपिक है, हॉट केक होता है और UPSC का फेमस टॉपिक है। तो 243T ये आर्टिकल म्यूनिसिपलिटी में रिजर्वेशन की बात करता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, एक आर्टिकल आया है लॉ पैनल अपॉइंटमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। एक लॉ पैनल जो कि नॉन
स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी का बॉडी होता है कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट ला करके नहीं बनाया गया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मर्सी पर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे अपॉइंट करती है, कैबिनेट अपॉइंट करती है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। करेंटली 22nd लॉ कमीशन का फॉर्मेशन प्रोसेस में है, हालांकि ये फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, इसका फॉर्मेशन ऑलरेडी 21 फरवरी 2020 को हो चुका है। तो अभी क्या होना है, इनके जो मेंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इनके मेंबर टोटल मैक्सिमम, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। फिर से मैं रिपीट करता हूं, लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन का फॉर्मेशन होना, मेंबर का अपॉइंटमेंट होना है, मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं फिलहाल के प्रोविजन से, 21 फरवरी 2020 को ये ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, लेकिन इसके चेयरमैन और मेंबर का फैसला नहीं हुआ है। और अगर 21वां का पूछ लिया जाए तो 21वें के चेयरमैन है बीएस चौहान, जस्टिस बीएस चौहान। 21 अब आउट ऑफ टाइम है, ये 22nd लॉ कमीशन की बात की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कुछ दिनों से हंगामा चल रहा है पार्लियामेंट में सस्पेंडेड एमपी के तरफ। अभी वेंकैया नायडू साहब ने 12 एमपी को राज्यसभा से निकाल दिया था, तो क्या कोई आर्टिकल है इसमें? अपोजिशन लीडर जो खड़गे साहब हैं वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 85 के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 85 तो सस्पेंशन से रिलेटेड हो नहीं सकता है, तो सस्पेंशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? एक्चुअली पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इन दोनों के अपने अपने रूल्स हैं। इन रूल्स में मैं सबसे पहले आपको अपर हाउस का बताता हूं। अपर हाउस में एक रूल है, रूल नंबर 372, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा है, 372 नंबर आर्टिकल में, रूल में, नॉट आर्टिकल, ये लोकसभा का अपना रूल है, रूल बुक होता है हर एक हाउस का, तो उसके रूल बुक में ये रूल मेंशन है जिसमें स्पीकर को ये पावर दिया गया है कि वो मेंबर को कहेंगे कि भाई तुम बाहर चले जाओ, आज तुम्हारी शकल नहीं देखनी है। अगर वो बाहर नहीं जाता है जैसा कि होता था, तो 2001 में एक और रूल आया, उस रूल में फिर ये प्रोविजन है। इसमें 2001 में जो रूल आया उसका नाम है 374A, इसमें ये प्रोविजन है कि स्पीकर मार्शल को बोलेंगे जो वहां पे खड़े होते हैं, उनको बोलेंगे कि उन्हें उठाकर बाहर करो। तो अभी पिछली बार 12 मेंबर को जो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा में ये लोकसभा का रूल अप्लाई नहीं होता, राज्यसभा में सेम रूल आता है, रूल नंबर 255। सो कभी कभी यूपीएससी ऐसी चीजें पूछ दिया करती है जब ये चीजें काफी हाईलाइटेड हो। और पिछले 2-3 सालों में एमपी को पार्लियामेंट से बाहर निकालना, फिर एमपी का धरना पर बैठ जाना बहुत आम बात हो गया है, तो आज न कल यूपीएससी इसे नोटिस जरूर करेगी, सो हमें याद रखना चाहिए। कुछ बिल्स हैं जो कल फाइनल हुआ है, जैसे एक बिल है एआरटी का, एआरटी का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सरोगेसी भी आता है, और इनफैक्ट ये बिल लाया ही इसलिए गया है, ये बिल ऑलरेडी पहले से है, सरोगेसी ला अपने कंट्री में पहले से है, जिसमें कि कोई और लेडी किराए पे, एक तरीके से आप कहें अपने किराए पे वो चाइल्ड प्रोड्यूस करती है, पैसे के लिए प्रोड्यूस करती है, एज सच आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस पे रूल लाया था कि हम इसे बिजनेस नहीं बनने दे सकते, हम केवल उनके लिए ऐसे बच्चों के प्रोडक्शन का एक लाइबिलिटी लाएंगे जो या तो असमर्थ हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है और वो बच्चा रखना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने एक बिल ला करके ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ सरोगेसी था बहुत पहले बंद किया हुआ है, आज जो बिल आया है वो इसके लिए आया है कि नेशनल लेवल पर एक बोर्ड बनाना है। यहाँ देखिए मेंशन है नेशनल सरोगेसी बोर्ड, तो जब नेशनल लेवल पर बोर्ड बनता है तो स्टेट लेवल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, याद करो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ गया है, एक स्टेट लेवल, स्टेट हर स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड है, कंट्री लेवल पर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है, यहां भी दोनों की बात की गई है। इसके अलावा उन तमाम अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा जो सरोगेसी को एक प्योर जो पर्पस है गवर्नमेंट का, ह्यूमैनिटी का पर्पस है, उसके फेवर में रख सके। तो एक ये बिल था एआरटी का,
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, इसमें ये भी आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं उन टेक्नोलॉजीज को और जो क्लिनिक्स हैं इन क्लिनिक्स को रेगुलेट करना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स जो हैं जो हेल्प करते हैं या उनके टेक्नोलॉजी बैंक्स होते हैं इन सब के इन सब ये जब जो मिसयूज कर रहा है इन चीजों को रोकना। तो अगर आपको इतना भी याद रहेगा कि एआरटी अभी इसी साल बिल पास हुआ है तो इतना काफी है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें आती रहेगी। जब फाइनली नोटिफिकेशन निकलेगा, अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट बनेगा, जब एक्ट बनेगा तो हम फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन रहा और कौन सा प्रोविजन गया। सो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल है जर्मनी की चांसलर बाय बाय कह गई है, 16 साल चांसलर रही है एंजेला मर्कल और बहुत लिबरल मानी जाती रही है, इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन इन्होंने मेंटेन किए हैं। अब इनकी जगह आ गए हैं ओलफ एस्कॉलेज। ये ओलफ एस्कॉलेज हैं कौन, नाम ऐसा है याद रहेगा आपको, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, इनका भी नाम एस्कॉलेज है। सो द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी आफ्टर 16 ईयर इज ओलफ एस्कॉलेज। यहाँ आप इनका देख सकते हैं इमेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगले 2-3 साल तक हर पेपर में पूछा जाएगा। जर्मनी का चांसलर कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है और 16 साल बाद 16 ईयर इतने टाइम बाद कोई नया चांसलर मिला है। आज के न्यूज में इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ।